बड़ा अहम दिन है। आप डेमोक्रेसी में जो जो मानते हैं, बाहर आके वोट करें, वोट आपका हक है और देश के हित में वोट करें और सही सोच समझ के जो देश के हित में जो कैंडिडेट है उन्हें वोट करें और भारी संख्या में आके वोट करें। हमने देखा कि आपका कैंपेन जो है दिन और रात रहा है, काफ़ी मेहनत की है, तो क्या उम्मीद है? सिर्फ बैंगलोर सेंट्रल ही नहीं, बैंगलोर साउथ, बैंगलोर नॉर्थ और बैंगलोर रूरल, चारों सीट में अच्छा कैंपेन चला है और ज़रूर कांग्रेस पार्टी ये चारों सीट जीतेगी। बैंगलोर सेंट्रल की अगर बात करूँ तो पिछले इलेक्शन में जो है यहाँ पर 55% से कम वोटिंग हुई थी, 55% से कम थी, तो इस मरतबा क्या कहना चाह रहे हैं? इस मरतबा वोटिंग भी ज़्यादा होगी और लोग भी सही मुद्दे हैं उस पर वोट डालेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आखिर में क्या मैसेज है? यही मैसेज है, देश के लिए जो ठीक है वो पार्टी को वोट कीजिए और जो पार्टी देश के हित में नहीं है उनको आपका वोट बहुत ही अहम रहता है, वोट करके वो पार्टी को डेमोक्रेसी बचाने के लिए उन्हें दूर रखिए। अब दिन को आप कैसे देखते हैं? जमहूरियत का एक जश्न है, जमहूरियत का एक त्यौहार है, बताइए। आज जो हमारा मुल्क का जनरल इलेक्शन हो रहा है, एक मैं समझता हूँ कि एक त्यौहार है, एक ईद है, जो नेशनल फेस्टिवल है, ये तो हर एक को अपना हक चलाने का मौका मिल रहा है और यही जमहूरियत की ताकत है। वोटिंग फीसद बढ़ना चाहिए, खासतौर पर बेंगलोर में और बेंगलोर सेंट्रल में हम देखते हैं कि 55% से कम रहा है, पिछले इलेक्शन में 55 से कम था। नहीं, वोटिंग ये बड़ी बदकिस्मती है कि लोग अपने हक को नहीं जानते और काहली करते हैं वो आके वोट डालने में, मगर ये इतना बड़ा, इसे करोड़ों रुपए भी अगर देते हैं तो ये किसी को नहीं मिल सकता, तो इसलिए हर एक को अपना जमहूरियत में वोट की ताकत से ही हुकूमतों को बदलाया जा सकता है। हुकूमत का अगर 5 साल का मौका दिया जाता है जो सिटीजन्स को अपनी हुकूमत चुनने का, अगर सही तरीके से हुकूमत नहीं करती 5 साल के बाद आपको हुकूमत बदलने का भी हक है, तो इतना बड़ा हक खो देना बड़ी बदकिस्मती होगी। आपके फर्जंद भी किस्मत आजमा रहे हैं। जमहूरियत में हर एक का हक है कि वो लोगों से आप खड़ के और अपील करें और पॉलिटिकल पार्टी से मेरे लड़के को कांग्रेस से सीट दी गई है, कांग्रेस कैंडिडेट वो मैदान में है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग उसकी कामयाबी देंगे। आखिर में एक मैसेज सर के, जो पीएम मोदी की स्पीच रही उस पर काफ़ी मुखालिफत हुई और ख़ासतौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट करके उन्होंने खिताब किया, इस सिलसिले में क्या कहना चाह रहे हैं? एक बखताना स्टेटमेंट था एंड मुझे, मैं कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो सबका प्राइम मिनिस्टर होता है, एक तबके का एक फिरके का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो, तो उनको चाहिए था कि इस तरह के स्टेटमेंट अगर देंगे तो आप वो उनकी जो वो कसम खाएं कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं सबकी देखभाल करूँगा, उसको तोड़े, वो कसम तोड़े हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर होकर रहने का कोई हक नहीं है। यानी उनका स्टेटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उनको किसी उस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बने रहने का कोई हक नहीं है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।